इतने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन मासूम चेहरा, किलर स्माइल और खूबसूरती ऐसी कि हर कोई कायल हो जाए। अपनी मासूमियत और खूबसूरती के कारण इस अदाकारा ने 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में अपनी जगह बनाई थी। उनकी एक एक अदा पर फैंस मर मिटते थे। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेसेस की जब जब बात होती है, तब तब लोगों की जुबान पर इस एक्ट्रेस का नाम निश्चित रूप से होता है। एक समय था जब बॉलीवुड में इनके नाम का डंका बजता था। फैंस इनकी फिल्मों का इंतजार करते थे। इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी पसंद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की, जिन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों के दिलों में सेक्स सिंबल के तौर पर पहचान बनाई थी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो 90 के दशक की सबसे विवादित अभिनेत्री भी रहीं, जिनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा। ममता अपने जमाने की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में शुमार थीं और बोल्डनेस भी ऐसी कि स्टारडस्ट जैसी पत्रिका के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराने से भी नहीं कतराईं। ममता को लेकर ये माना जाने लगा था कि वो अब बॉलीवुड में लंबी पारी खेलने वाली हैं और उनका सिक्का इंडस्ट्री में लंबा चलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और कई बड़ी हिट फिल्में करने के बावजूद बॉलीवुड की चहेती रही ममता ने बॉलीवुड छोड़ दिया और साध्वी बन गईं। उनकी जिंदगी बहुत से विवादों से घिरी रही, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि ममता आजकल कहाँ है और क्यों उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ममता के पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था। परिवार में माता पिता के अलावा ममता की दो बहनें मिथिला और मौलिना भी हैं। ममता का बचपन से ही फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इनकी माँ चाहती थी कि ममता ग्लैमर वर्ल्ड में अपना करियर बनाए और माँ के कहने पर ही ममता ने महज 19 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में एंट्री की। भली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की हो। और उनकी पहली फिल्म नन बरगल थी, जो कि एक तमिल फिल्म थी। उनकी तमिल फिल्म हिट होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। हिंदी फिल्मों में ममता का करियर साल 1991 में फिल्म मेरा दिल तेरे लिए के जरिए शुरू हुआ। एक साल बाद उन्हें फिल्म तिरंगा में काम करने का मौका मिला। इसमें ममता का रोल तो छोटा था, लेकिन फिल्म सुपरहिट हो गई। और उन्हें सैफ अली खान के साथ फिल्म आशिक आवारा में एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिल गया और देखते ही देखते ममता बॉलीवुड पर छा गईं।
वो साल 1993 था जब ममता कुलकर्णी युवा धड़कनों पर राज करने लगी। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने जो फोटो शूट करवाया उससे उन्हें रातों रात हुस्न की मल्लिका का खिताब मिल गया। ममता की ये तस्वीर उस वक्त के लिहाज से काफी बोल्ड थी। उस वक्त क्लीवेज दिखाना वाकई हौसले का काम माना जाता था और ममता तो स्टारडस्ट के लिए टॉपलेस ही हो गई थी। इस तस्वीर ने सनसनी मचा दी। नतीजा ये हुआ कि 20 रुपए में बिकने वाली मैगजीन 100-100 रुपए तक में बिकी। मैगजीन के बाजार में आते ही फोटोशूट को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ संगठनों ने ममता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। उन पर इस फोटोशूट के लिए 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और ममता को जान से मारने की धमकी तक मिली। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये फोटोशूट ममता के जीवन की पहली कंट्रोवर्सी रही, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस फोटोशूट के लिए उन्हें बॉलीवुड से भरपूर समर्थन मिला और उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें अनोखा प्रेम युद्ध, दिलबर, नसीब, वादे इरादे, किस्मत, अहंकार, चाइना गेट, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, बाजी और छुपा रुस्तम जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। ममता ने अपने फिल्मी करियर में सैफ अली खान और संजय कपूर से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ साथ अक्षय कुमार जैसे उस दौर के लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। वो अपनी लगभग हर फिल्म में बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज में ही नजर आईं। साल 2002 में फिल्म कभी तुम कभी हम में काम करने के बाद ममता ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ममता ने हिंदी के साथ साथ कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। जब उनके करियर की गाड़ी पटरी पर रफ्तार से दौड़ रही थी कि तभी उनके और निर्देशक राजकुमार संतोषी के बीच विवाद ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। दरअसल ममता कुलकर्णी ने फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी पर सेक्सुअली फेवर मांगने का आरोप लगाया था। राजकुमार संतोषी ने ममता के लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इस विवाद के बाद फिल्म जब 1998 में रिलीज हुई तो ममता के अधिकतर सीन्स को हटा दिया गया था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। ममता कुलकर्णी ने इसके बाद राजकुमार संतोषी पर उनके सीन्स कम करवाने के आरोप भी लगाए। इसके बाद ममता एक बार फिर विवादों में तब आईं जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जोड़ा गया। ऐसी अफवाहें भी थीं कि राजन के कहने पर ही ममता को कई फिल्में मिली, हालांकि इसका कभी कोई प्रमाण सामने नहीं आया। ममता के जीवन से जुड़े विवाद यहीं नहीं थमे। छोटा राजन के भारत छोड़ने के बाद ममता का नाम माफिया विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विकी गोस्वामी से भी जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी विकी गोस्वामी से प्यार करती थी। विकी जेल में बंद था और उसे छुड़ाने के लिए ममता ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और दुबई जाकर बस गई। करीब 10 साल बाद उनके बारे में ये खबरें आईं कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लिया है। आपको बता दें कि विकी गोस्वामी को साल 1997 में ड्रग रखने के आरोप में UAE में गिरफ्तार किया गया था और उसे 25 साल की सजा हुई थी, लेकिन जेल में उसके अच्छे व्यवहार और इस्लाम कबूल करने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी से शादी करने के लिए ही इस्लाम धर्म अपनाया था और वो विकी के साथ केन्या में बस गई थी। हालांकि ममता ने खुद कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। जिस दौरान विकी गोस्वामी जेल में था उस समय ममता ने अपने आप को ईश्वर भक्ति में डुबो लिया था और एक योगिनी का जीवन व्यतीत करने लगी थी। ममता एक बार फिर सुर्खियों में तब आईं जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की जिसका नाम है
ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। इस दौरान उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो टीका लगाए भगवा रंग के कपड़े पहने हुई थी। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम ममता कुलकर्णी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। ममता कुलकर्णी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।